हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। जनरली आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट पोजीशन, पढ़ा था ना, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक, कुछ भी। तो अब वेलोसिटी की बात करेंगे, उनके मोशन की बात करेंगे, कैसे देखते हैं। हमने पढ़ा था, वही लेंगे पहले की तरह केस वन। हमने पढ़ा था ये एक टैंक है यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक फिश है, यहाँ एक इस टाइप से कुछ बर्ड है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन मान लेते हैं एक्स, इसकी मान लेते हैं वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान के चलते हैं वेलोसिटी, सबसे पहली बात कैसे करें वो देखो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, तो पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, तो बर्ड देख रहा है फिश को, तो फिश की पोजीशन बर्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या होगी, ऑब्जेक्ट ये है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें एन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक्स प्लस वाई बाई एन, हाँ या ना, बोलो। बर्ड मान लो ऊपर जा रहा है, फिश मान लो नीचे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ फिश वेलोसिटी ऑफ बर्ड मान सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, आ रही है बात समझ में। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी प्लस वन बाई एन डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स पोजिशन ऑफ बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड, और वेलोसिटी ऑफ फिश विद बाई एन, आई बात समझ में। तो क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है, क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर इसको चेंज करें तो, अगर इसको चेंज करें, ये वैल्यू अगर गिवन हो तो ये निकाल सकते हैं, ये गिवन है, कुछ भी गिवन हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये याद नहीं करना, आपको ये याद करना है, और ये आपको आता है, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट जिधर होता है वो डिस्टेंस चेंज होती है, तो वाई बाई एन प्लस एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स एफ बी, तो डिफ्रेंशिएशन में इसको ऐसे लिखते हैं, और एक्स डॉट बी प्लस वाई डॉट बाई एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स के ऊपर डॉट का मतलब ये वेलोसिटी है, एक्स के ऊपर डॉट का मतलब वेलोसिटी है, किसी बुक में कुछ भी हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, एक बार समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये मेरे पास टैंक है, इस टैंक में मान लीजिए ये फिश है, ये इस टाइप से बर्ड है, बर्ड इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, फिश ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये दे रखा है आपको 4 मीटर, ये आपको दे रखा है 3 मीटर, ठीक। अरे बोलो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, ये आपसे दे दिया। एज सीन बाय बर्ड का मतलब ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, तो पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, सॉरी ऑब्जर्वर बर्ड है, तो पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ऐसे आएगा ना, ऑब्जर्वर बर्ड है।
ठीक है, तो ऑब्जर्वर बर्ड को दिखाई दे रहा है, ऊपर देखा, तो क्या फॉर्मूला था आपके पास? ऊपर की डिस्टेंस h या कुछ भी मान लो x, ये y, तो ऊपर की डिस्टेंस x प्लस में y बाई n, डॉट लगा दो, तो वेलोसिटी ऑफ फिश बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड x बर्ड के लिए प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश बाई n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ फिश बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.5। क्या करें, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, इफ मोशन इज टूवर्ड्स सरफेस वेलोसिटी इज टेकन नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अगर मोशन सरफेस की तरफ है तो नेगेटिव लेना है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड सरफेस की तरफ है कितना 3, वेलोसिटी ऑफ फिश, फिश भी ऊपर जा रही है -4 बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, तो फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड कितनी आ गई -3 -40/15 8, 3 × 9 = 9 = 18 तो ये हो गया -3 × 5 = 15 2 3 नियरली ये आएगा, ठीक है, तो 5.7 दिखाई दे रहा है। देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के पास, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए तो 7 होनी चाहिए, लेकिन कुछ कम दिखाई देगी उसको, समझ रहे हो ना, क्योंकि पोजीशन कम हो जाती थी, पता है ना, ये कुछ ऊपर दिखाई देता था तो वेलोसिटी कम दिखाई देगी, क्लियर? तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, वेलोसिटी ऑफ फिश अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड वेलोसिटी ऑफ बर्ड बताओ एज सीन बाय फिश, तो देखो पोजीशन ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, इस बार फिश देख रही है, फिश देख रही है तो फिश की डिस्टेंस वाई, और ऊपर वाले को देख रही है तो ऊपर वाला और ऊपर दिखाई देगा एन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड फिश, वेलोसिटी ऑफ वाई, वाई क्या है फिश, प्लस में एन वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक्स तो बर्ड का है, तो वेलोसिटी ऑफ फिश क्या है, वेलोसिटी ऑफ फिश क्या है बेटा वाई, वी एफ कितना है 4, ऊपर जा रहे तो माइनस का, ठीक है, प्लस एन 1.5, वेलोसिटी ऑफ बर्ड नीचे आ रहा है तो ये भी माइनस का 3, तो बर्ड फिश कितना हो गया -4 -4.5 तो -8.5, माइनस का मतलब है तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश सरफेस की तरफ आता हुआ दिखाई देगा ना, जो बर्ड है वो फिश को सरफेस की तरफ आता दिखाई देगा 8.5 से, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से, 4 × 3 = 7 होते हैं, ज़्यादा से आता हुआ दिखाई देगा, तो फिश अपना बचाव कर सकती है, उसको बहुत तेज़ी से आता दिखा, एक्चुअल जो वेलोसिटी बर्ड की है वो नहीं उससे ज़्यादा दिखाई देगी, समझ रहे हो मेरी बात, पीछे हमने पढ़ा था डिस्टेंस कितनी दूरी पर दिखाई देगा, अब कितनी स्पीड से दिखाई देगा, क्या मेरी बात समझ रहे हो? अभी इस क्वेश्चन में क्या था, बर्ड सीन बाय फिश, तो फिश देख रही है ऑब्जेक्ट बाहर है, ऑब्जेक्ट अगर बाहर है तो आपको पता है ये आपको और ऊपर दिखाई देगा, तो y प्लस एन एक्स, जस्ट डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी मान लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सवाल लेते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने लास्ट का लेक्चर अच्छे से देखा है समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरे पास इस टाइप से ना एक बर्ड है किंग फिशर, ठीक,
ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाटर है, इसमें ये फिश है, फिश ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इज 9 मीटर पर सेकंड। इस बारे में दे रखा है कि बर्ड को इसकी स्पीड 9 दिखाई दे रही है और फिश की दे रखी है। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ। तो करें क्या, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो देखने वाला कौन है, फिश। ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो क्या फॉर्मूला बनता है, पहले तो ये देखो, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, मान लें। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो बर्ड ऑब्जेक्ट है, तो बर्ड अगर ऑब्जेक्ट है तो फॉर्मूला क्या बनता है, एन एक्स प्लस वाई। याद आ रहा है कुछ, ऑब्जेक्ट की साइड की डिस्टेंस में चेंज आता है, ऑब्जेक्ट जहाँ होता है वो डिस्टेंस चेंज होती है, बस ये याद कर लो। जनरली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्टेंस में एन आएगा, इसमें आएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसमें आएगा, ऑब्जेक्ट ये है। अब वेलोसिटी की बात करें तो वी बी एफ, तो एन वी, एक्स क्या है बर्ड, प्लस ये क्या है फिश, हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश क्या दिखाई दे रही है, 9। तो बर्ड तो इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो माइनस का 9। एन कितना है, 1.5, बर्ड की निकालनी है फिश, -3, फिश भी ऊपर जा रही है, तो -3 इधर ले आओ, तो ये हो गया -6/1.5, तो कितना हो गया ये, -9 + 6 - 6/1.5, तो 4 आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकंड। रियल वेलोसिटी जो बर्ड की है वो तो 4 है, नीचे आ रहा है, लेकिन फिश को क्या दिखाई दे रही है, 9। बात समझ में आई कुछ, तो मुझे ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना आ गया, मेरा सवाल हो गया, ठीक है बेटा। और देखो, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट जहाँ होगा उधर की डिस्टेंस चेंज होगी, बस। मान लो एक सवाल मैं ये लेता हूँ, मान लो एक बड़ी फिश है यहाँ पे और वो दूर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, डिस्टेंस मैं मानता हूँ अपने लिए एक्स। यहाँ एक बर्ड है, ये वाई डिस्टेंस पे, और ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों एक दूसरे से अवे जा रही है, ठीक है। तो सवाल मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इज, वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इज 20 मीटर पर सेकंड, मान लिया मैंने, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, 2, आसान हो जाएगा, 20। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो सबसे पहली बात है वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फिश। तो ऑब्जेक्ट अगर फिश है तो फिश के लिए क्या डिस्टेंस है, एक्स, तो एक्स बाई एन प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट अगर फिश है तो एक्स बाई एन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर में तो एक्स बाई एन होता है। तो वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्स वी एफ बाई एन वी बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाई बर्ड 20, क्योंकि ये सरफेस से अवे है प्लस का, और वेलोसिटी ऑफ फिश वी एफ, एन कितना है, 2, वेलोसिटी ऑफ बर्ड भी अवे जा रहा है, 10 इधर ले आओ, 20 - 10 = 10, 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 ले लो इसको, तो वी एफ कितना आ गया, 15। तो फिश की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, फिश की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, बस। एक मिनट रुको, तो वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड इज 20,
वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय वर्ड इज 20। वेलोसिटी ऑफ फिश दे रखी है आपको 4, हमने दोनों मान ली, फिश की निकालनी है। अब ठीक है, बर्ड की वेलोसिटी 10 है एक्चुअल, फिश की, बर्ड के रेस्पेक्ट में 20 है, तो फिश की एक्चुअल बताओ 15। तो एक्चुअल वेलोसिटी फिश की 15 है, लेकिन बर्ड के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? ज़्यादा। तो ये रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ अगर लिखनी आ गई, ऑब्जेक्ट अगर रेयर में है तो एन से मल्टीप्लाई, डेंसर में है तो डिवाइड, बस वेलोसिटी लिखो, आंसर आपका आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस टाइप से हम रियल अपेरेंट डेप्थ में वेलोसिटी के सवाल भी कर सकते हैं। जनरली ऐसे सवाल आ जाते हैं नीट में, जेई में खासकर पूछ लेते हैं, तो आपको आनी चाहिए प्रैक्टिस, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, और CBSE बोर्ड में भी सवाल आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।